रमजान की दौलते रमजान 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 याद रसूल मदीना या दारुल मदीना यहाँ आओ मिल के सीख ले प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की दौलते दौलते रमजान 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب نے باواز بلند اچھے انداز سے درود و سلام پڑھنا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक मरतबा फिर हम लेकर आ गए हैं प्यारा सा प्रोग्राम रमजान की जी रमजान की रौनक प्रोग्राम शुरू हो चुका है और रमजान की रौनक हमारे दरमियान आई और अब आहिस्ता आहिस्ता जा भी रही हैं कि इख्तितामी रोजे हैं लेकिन इंशाअल्लाह रमजान ने जो पैगाम दिया है इसको हम सारा साल अपना कर रखेंगे। नेकियों का जो पैगाम दिया है इंशाअल्लाह उस पर हम अमल करते रहेंगे और ये मदनी चैनल आपके साथ मौजूद है इंशाअल्लाह इन बातों को याद दिलाता रहेगा। सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दिन भर में हजार बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी रौनकें तो चेहरों पर भी रौनक नजर आनी चाहिए और आवाज के अंदर भी वो रौनक छलकनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कैसे छलकेगी? ऐसे बाहर आएगी क्या? वो आवाज से पता चलेगा। प्रोग्राम शुरू हो चुका है रमजान की जी और दुरूद पाक की हमने फजीलत सुनी जो दिन भर में क्या पढ़े मरेगा नहीं जब तक जन्नत में क्या ना देख ले। हाँ ठिकाना, ठिकाना क्या होता है पता है किसी को? जन्नत में अपना घर। वाह भाई वाह। और जन्नत देखी किसी ने? नहीं देखी जन्नत। चले भाई तो हमने क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाल्लाह ख्वाब के अंदर हम जन्नत में अपना मकाम देख लेंगे और जो मकाम देखेंगे जो ठिकाना देखेंगे जो जगह देखेंगे जहां हमें जन्नत में जाना है तो इंशाल्लाह मरने के बाद फिर कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हाँ तो अभी से अपनी जो है ना सीट रिजर्व करा लें, अपनी जगह रिजर्व करा लें कि भाई जन्नत में जाना है तो अभी कैसे? दुरूद पाक पढ़े। जब हम हजार बार रोजाना दुरूद पाक पढ़ेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा, मेहनत ज्यादा है लेकिन कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना। हाँ गुड़ कहाँ गुड़ डालना भाई, किस चीज में गुड़ डाल ले? अब तो चीनी डालते, वैसे चीनी चाय में चीनी, इसमें चीनी शरबत में चीनी, मीठे मीठे शरबत है रमजान का महीना। खैर यहाँ पर मतलब ये है कि हम जितनी मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे तो उतना ही बड़ा क्या मिलेगा, हमें अजर मिलेगा। तो हजार बार दुरूद पढ़ने में टाइम है ज्यादा थोड़ा सा लगेगा लेकिन मिलेगा क्या जन्नत में? हाँ देखने को भी मिल जाएगा दुनिया में इंशाल्लाह और फिर मरने के बाद उस ठिकाने में चले भी जाएंगे। तो इसी प्यारे से पैगाम के साथ और बात के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है रमजान की रौनकें। तो निहाल भाई आज हमारे लिए क्या क्या लेकर आए, कौन कौन से स्टॉल लाए हैं, क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे? जी आज भी हमारे साथ बहुत सारे स्टॉल्स हैं। हमारा अमेजिंग प्लेसेस का स्टॉल है, मुकद्दस जगह के बारे में बताएंगे, गिफ्ट स्टॉल है, गिफ्ट्स भी तकसीम करेंगे और हमारा स्टॉल है नेमतों का स्टॉल है। इसके अलावा एप्स वर्ल्ड स्टॉल है, एप्स की दुनिया स्टॉल है, इसमें एप्लीकेशन के बारे में सुनेंगे, हेल्थ नॉलेज, हेल्थ के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, कॉम्पिटिशन भी होगा, मुकाबला भी। जी बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, इतने सारे स्टॉल्स लेकर आ गए। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? सबसे अभी सबसे पहले हम बढ़ेंगे तिलावत कुरान पाक की तरफ। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स ब्रदर्स चैनल के नाज़रीन हमारा पहला स्टॉल है, पहला सेगमेंट है तिलावत कुरान पाक का। आइए शामिल करते हैं तिलावत कुरान पाक, फिर इंशाल्लाह हम इसका तर्जमा भी सुनेंगे। हमारे साथ अब्दुल शाफी भाई मौजूद हैं,
आइए इनसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप अब्दुल शफी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अब्दुल शफी भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? सूरतुन नसर की तिलावत। जी प्यारे बच्चों, और किड्स पद्री चैनल के नाज़रीन, सूरह नसर की तिलावत की जाएगी। तिलावत कुरान पाक को हमने गौर से और अदब अहतराम के साथ सुनना, इंशाल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चों, अर्किड्स पद्री चैनल के नाज़रीन, सूरह नस्र की हमने तिलावत सुन ली। आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं सूरह नस्र का तर्जमा। सूरह नस्र की हमने तिलावत सुनी है, इंशाल्लाह उसका तर्जमा सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा कंजुल इरफान। जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी और तुम लोगों को देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सूरह नस्र का हमने सूरह नस्र की तिलावत भी सुनी और तर्जमा भी सुना। तो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक बहुत तौबा कबूल करने वाला है। जी निहाल भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने दूसरे स्टॉल की तरफ बढ़ेंगे, मदरसतुल मदीना के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए। स्टॉल का नाम है मदरसतुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, हमारे स्टॉल है मदरसतुल मदीना का, हमारे साथ अदील भाई मौजूद है। देखते हैं आज मदरसतुल मदीना के हवाले से हमें क्या बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अदील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अदील भाई, शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे कुल मदारिसुल मदीना, कुल स्टाफ, कुल क्लासेस और इसमें बच्चों और बच्चियों की कुल तादाद और साथ ही साथ बैरून मुल्क मदारिस और बच्चों की तादाद भी आज आपसे शेयर करूंगा। ये इंफॉर्मेशन जनवरी 2022 की है, जिसके आदाद और शुमार के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मदारिसुल मदीना की तादाद 4611 है, जिसमें बच्चों के 3470 मदरसे और बच्चियों के 1141 मदरसे शामिल हैं। इन 4611 मदारिस में टोटल स्टाफ की तादाद 11,292 है, जिसमें कारी साहब, नाजिम, टीचर्स, खादिम की तादाद 8,734 है, जबकि बच्चियों की मदारिस में कारिया, नाजिमा, टीचर्स, खादिमा की तादाद 2,558 है। इन 4,611 मदारिस में क्लासेस की तादाद 9,049 है, जिसमें बच्चों के मदरसे में 6,769 क्लासेस लगती हैं और बच्चियों के मदारिस में क्लासेस की तादाद 2,280 है। अब बात करते हैं हमारे मदारिसुल मदीना में बच्चे और बच्चियों की तादाद की। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2022 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 209,938 बच्चे और बच्चियां हमारे मदरसतुल मदीना में कुरान पाक की तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं। मदरसतुल मदीना में मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ साथ फुल टाइम और शॉर्ट टाइम और रिहायशी मदारिस में बच्चे और बच्चियां जेरे तालीम हैं, जिनकी टोटल तादाद 209,938
9938 है। जी हाँ, और इन 2,09,938 में 1,56,839 बच्चे हैं, जबकि 53,099 बच्चियां दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं। अब बात करते हैं बैरून मुल्क मदारिस की। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी कहाँ नहीं, पूरी दुनिया में दीन की खिदमत से सरशार। हमारी दावत इस्लामी ने बैरून मुल्क के बच्चे और बच्चियों के लिए भी मदारिस कायम किए हैं, जिसमें मदारिस की तादाद 834 है, जिनमें बच्चे और बच्चियों को हिफ्ज नाजरा और दीगर कोर्सेज करवाए जाते हैं। बैरून मुल्क मदारिस के स्टाफ की तादाद 1,628 है, और इन मदारिस में 1,948 क्लासेस लगाई जाती है। बैरून मुल्क मदारिस अल मदीना में बच्चों की तादाद 34,380 है। तो बच्चों, आज हमने आपको मदारिस अल मदीना के बारे में बहुत अहम मालूमात फराहम की। क्या बात है दावत इस्लामी की, और क्या बात है मेरे मदरसतुल मदीना की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना के हवाले से हमने सुना कि मदरसतुल मदीना की पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस हैं, फिर ओवरसीज मदरसतुल मदीना की कितनी ब्रांचेस हैं, फिर इसके अलावा इसमें बच्चों की तादाद कितनी है, बच्चियों की तादाद कितनी है, पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी है, और इसके अलावा स्टाफ की तादाद कितनी है, क्लासेस इसमें कितनी है, इस हवाले से हमने इसके फिगर्स जाने। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने शामिल कर लिया मदरसतुल मदीना का स्टॉल। अब हमारा अगला सेगमेंट है, इसका नाम भी बहुत प्यारा है, जिसमें हम कलाम सुनते हैं। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें। आइए बढ़ते हैं नाथ खां अली रजा भाई की तरफ, और देखते हैं आज हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी अली रजा भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? वह क्या जूद व करम है शहे बदहा तेरा। जी शुरू कीजिए। वह क्या जूद व करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। Bye.
محبوب و مغیب میں نگی میرا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع سبحان اللہ جی پیارے بچوں ارکڈز بدری چینل کے ناظرین آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے گفٹس کارنر پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں سبحان اللہ جی ہمارا دلچسپ سا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے گفٹس کارنر یا گفٹس کاؤنٹر اور گفٹس کاؤنٹر پر موجود ہے ہمارے عزیر شاہ صاحب جو آپ کو گفٹس دیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں سوال کا جواب دیں اور وہ بھی درست دیں جی تو سوالات ہو رہے ہیں تیار ہیں آپ پہلا سوال آپ کے لیے بتائیے سورۃ القدر قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے جی چلے بھائی ادھر ادھر سے مددیں نہیں لینی ہے بھائی یہ جن کے ہاتھ میں مائک ہے مائک آپ نے دینا ہے مدد نہیں لینی کیا بدل پوچھ رہے سب اپنا اپنا خود بتائیں گے بھائی جی جو الٹے ہاتھ سے مائک لے گا دے گا اس سے سوال نہیں ہوگا اس سے چلے بھائی آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا محمد حسان بتائیں جواب تیسویں پارے میں ہے آپ کا جواب زبردست لیا بھائی شاہ صاحب گفٹ لیا جلدی سے زبردست ماشاء اللہ جی دوسرا سوال سورہ قدر میں لفظ قدر کتنی بار آیا ہے یہ کیا ہوا نیال بھائی کہیں سے جواب پتہ چل گئے کیا اچھا چلے بھائی یہ پیچھے مائک دیں ادھر سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی ایک بار آیا ہے چلے بھائی برابر پہ مائک دے دیں بھائی تین مرتبہ آیا ہے جی ان کا جواب درست ہے غلط ہے صحیح ہے درست ہے ان کا جواب غلط ہے رونگ ہے صحیح ہے دیکھ لے کیا ہے جی ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ گفٹ ان کے لیے لے کر آ جائیں نیکسٹ کوئسچن کوئی ایک ایسی نماز بتائیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے لیکن اس میں اذان و اقامت نہیں کہی جاتی چلے بھائی آپ جواب دے دیں مائک دیں سیدھے ہاتھ سے جی عید کی نماز ایک اور نماز بتائیں کوئی چلے بھائی آپ بتائیں یہاں مائک دیں برابر میں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی نام کیا آپ کا محمد بلال چلے جی اب بتائیں کوئی ایک نماز آپ نے ایسی بتائیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے لیکن اس میں اقامت اذان نہیں کہی جاتی ایک تو ہو گئی وہ تو ہو گئی اس کے علاوہ بتانا ہے چلے بھائی برابر میں دے دیں اس طرف میں بکرا سبحان اللہ سب کہہ دو سبحان اللہ بھائی یہ بھی تو ہے نا عید کی نماز دوسری بقرہ عید کی نماز ہے کیا بات ہے جی اور بھی ہے بھائی نیال بھائی کہہ رہے اور نماز ہے چلے بھائی ان کو دے مائک تین وتر تو اب تین وتر کب جماعت سے پڑھے جاتے ہیں خیر رمضان مبارک میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں ہوتی چلے بھائی ایک اور جواب دے رہے ہیں بھائی یہ اوپر اسٹال سے جواب جب لیا جائے گا جب نیچے نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ابھی نہیں جی بتائیں چلیں کیا بتا رہے ابھی بھی بتایا نماز جنازہ جی چلے بھائی نماز جنازہ بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور اس میں اذان و اقامت نہیں ہوتی ان کا جواب درست ہے بھائی لے گفٹ تو یہ دو دو دیے تھے نا دونوں جواب دیے تھے نا انہوں نے ہی دیا تھا اس کے علاوہ کس نے دیا تھا
क्या दिया था आपने? नमाज़-ए-ईद। नमाज़-ए-ईद का दिया था, इनका भी सही है ना फिर। जी तो एक और भी लेकर आएंगे भाई। हाँ माशाल्लाह, चले भाई, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताएं वो कौन सी सूरत है जिसको तीन बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब। चले जी, सवाल भी पूरा करें उसके बाद जवाब भी दें। चले भाई इनको दे दें, सीधे हाथ से देना है। बेटा आपको सवाल समझ में आया था? क्या सवाल था, क्या सवाल था? नहीं सवाल भी नहीं समझ में आया, जवाब सवाल ही नहीं पता, जवाब देना भाई। ये क्या हो रहा है निहाल भाई, ऐसे होगा? कोई एक सूरत, कोई एक सूरत पूरे पुराने पाक में ना ज्यादा। कुछ कोशिश हो रही है लेकिन हो नहीं सका। जी चले आप बता दें। सूरतुल इखलास। जी सूरह इखलास को तीन बार पढ़ें तो क्या होगा एक कुरान पाक पढ़ने का सवाल। हाँ लेकिन सवाल पूरा नहीं किया था आपने। खैर सवाल यही था कि वो कौन सी सूरत है जिसे तीन बार पढ़ें तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। आज हमें तोहफा ले आए, ले आए माशाल्लाह। अब देखते हैं कौन से हाथ से लेना देना होता है, कैसे होता है। चले भाई सीधे हाथ से। हाँ ले लिया, ले दोनों हाथ से ले लें, ठीक है। बड़ा तोहफा है ना कुछ छोटे से, माशाल्लाह। सब कह दे सुभान अल्लाह। चले भाई अब आपने ये बताना है, माह रमजान के पहले अशरे को रहमत, दूसरे को मगफिरत और तीसरे को जहन्नम से आजादी का अशरा कहते हैं, बताइए क्या ये नाम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रखे या बाद में रखे गए हैं? जी जी सवाल, क्या ये तुक्का लगाएंगे क्या होगा? सवाल तो थोड़ा मुश्किल है जी। चले आप बताए जी, माइक है ना आपके पास, बताए। पहले पहले रखे किसने रखे, पहले किसने रखे बताए ना किसने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी ये तीनों अशरे के ये जो तीन नाम है, पहला अशरा क्या कहलाता है? रहमान। अशराए रहमान। दूसरा अशरा अशराए मगफिरत। तीसरा अशरा जी, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी। इनका जवाब दुरुस्त है भाई, लेकर आ जाए जल्दी से गिफ्ट। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? जी आप नहीं बताएंगे भाई, माइक नहीं, इधर माइक, माइक इधर, चीटिंग नहीं चलेगी, पूछना नहीं है, इधर इधर देना था जी। हाँ ले ले माइक, ले अपना नाम बताए पहले तो। अब्दुल रहमान, माशाल्लाह। तो क्या करते अब्दुल रहमान भाई? फिर सोच, नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। सब कहते सुभान अल्लाह, सबको नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा हमारा सवाल क्या था, सवाल पता आपको? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी पे क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद। मोहम्मद, और एक वर्ड और था, रे से शुरू होता है। हिम्मत करें, ये सब देखे लगे हुए बताने में, गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है उधर शाह साहब के पास। मोहम्मद, रा से रसू, आगे एक और वर्ड है रसूल, कलमे में भी जी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद, हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल रहमान भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है, मान लेते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुस्कुरा दी, अभी तक नहीं मुस्कुरा रहे थे, माइक से डर लग रहा है क्या? चले भाई सीधे हाथ से ले ले, और आप रुक जाए, सीधे हाथ से ही देना है जी, माशाल्लाह क्या बात है। चले भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन, वुजू में कुल्ली कौन से हाथ से करनी चाहिए? सीधे, सीधे। हमने अभी पूछा ही नहीं, अभी तो अब्दुल रहमान भाई बोल ही नहीं रहे थे, अब और गिफ्ट नहीं मिलेगा भाई आपको। सीधे। अभी अभी हमने पूछा ही नहीं आपको, हम पूछेंगे वो जवाब देगा ना, अब सारे गिफ्ट आपको थोड़ी मिल रहे। चले जी और कौन जवाब दे देगा? जी ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे भाई, ये पीछे दे दे माइक जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आप बताएंगे कौन से हाथ से कुल्ली करनी चाहिए वुजू में? सीधे हाथ से। और उल्टे हाथ से कर ली तो वुजू होगा? नहीं नहीं होगा, पक्की बात है वुजू नहीं होगा उल्टे हाथ से कुल्ली करी तो।
हो जाएगा जी ही वजू हो जाएगा, लेकिन करनी उल्टे से नहीं है। कौन से हाथ से करनी है? सीधे हाथ से। जी आपका जवाब सुभानअल्लाह। ले आ भाई गिफ्ट ले आए। जी तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ जिसका नाम है जी, जो हमारा सेगमेंट था तोहफों का काउंटर। हमारे तोहफे भी कंप्लीट हो गए, सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है भाई। शाबाश हमारे उजैर शाह साहब ने सारे तोहफे बांट दिए। अब कहाँ ले जा रहे हैं भाई? जी प्यारे बच्चों आइए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टॉल की तरफ जिसका नाम है एप्स वर्ल्ड यानी एप्स की दुनिया। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें। जी प्यारे बच्चों हमारा सेगमेंट है, हमारा स्टॉल है एप्स की दुनिया, एप्स वर्ल्ड। हमारे साथ कितमीर भाई मौजूद है, देखते हैं आज कितमीर भाई हमें कौन सी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं कितमीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कितमीर भाई कौन सी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं? आज हम आपको माहनामा फैजान मदीना ऐप के बारे में बताएंगे। माहनामा फैजान मदीना एप्लीकेशन, देखते हैं भाई कौन सी ऐप है। जी जी तो मेरे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, हम मौजूद है मोबाइल एप्लीकेशन काउंटर पर, और यहाँ आपको दावत इस्लामी के शोभा आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से इस्लामी भाइयों और बहनों के लिए बनाई जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से बताते हैं। और आज एप्लीकेशन काउंटर से हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त हेल्पफुल दीनी एजुकेशन देने वाली मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए आप न सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि आप अपनी दीनी नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आए इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम माहनामा फैजान मदीना है। अगर हम इसके मेन पेज को देखें तो हमें तकरीबन इसकी 7 डिफरेंट टैब्स बनी हुई नजर आएंगी। इस एप्लीकेशन में इस्लामिक इवेंट्स वाकयात के साथ इंटरेस्टिंग लेटेस्ट टाइम पीरियड इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। बच्चों इस एप्लीकेशन में ब्लेस्ड बायोग्राफीज का ऑप्शन दिया गया है जिसमें परमानेंट यानी मशहूर इस्लामिक पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी पीडीएफ फाइल की सूरत में अवेलेबल है, जिन्हें पढ़कर इन फेमस इस्लामिक पर्सनैलिटीज के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टिंग फीचर्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे अच्छा फीचर यूजर इंटरफेस है, जबकि यूजर पीडीएफ मैगजीन ऑप्शन के थ्रू किसी भी मनकम मैगजीन पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी इसे इजीली रीड कर सकता है। आर्काइव के ऑप्शन के जरिए आप किसी भी वक्त किसी भी ऑनगोइंग या प्रीवियस ईयर के मैगजीन सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों में यूज की जा सकती है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो शामिल किया गया है, इसकी हेल्प से आप मैगजीन में रेफरेंस टेक्स्ट या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को इजीली सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों ये मोबाइल एप्लीकेशन हम बच्चों के साथ साथ हमारे बड़ों के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसके जरिए हम्द नात और मनकबत तफसीर कुरान हदीस शरीफ और इसकी शरह नमाज ईद का तरीका व अहकामात और इसी तरह के ढेर सारे बेहतरीन ऑप्शंस इस ऐप में दिए गए हैं, जिन्हें क्लिक करके आप अपनी दीनी मालूमात को मजबूत और बेहतर कर सकते हैं। तो है ना एक के जबरदस्त और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है, हमारे कितमीर भाई ने हमें बताया कि जैसी एप्लीकेशन को ऑन करेंगे इसके बहुत सारे मुख्तलिफ टैब्स वगैरह आ जाएंगे, तो इनसे हम आसानी से हदीस शरीफ भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, माहनामा फैजान मदीना भी पढ़ सकते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन जल्दी कीजिए इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इससे फायदा हासिल कीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट जिसका नाम है नात का नूर कॉम्पिटिशन। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। हमारा बड़ा दिलचस्प सेगमेंट शुरू हो चुका है प्यारे प्यारे बच्चों मदनी चैनल के नाज़रीन नात का नूर कंपटीशन, जिसके अंदर हमारा होता है मुकाबला, और मुकाबला करते हैं हमारे ये नात खान जो हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ मौजूद है हमारे माइक, कहाँ है अली रजा भाई का? जी माइक में बताएं, एक तरफ है हमारे अली रजा भाई और दूसरी तरफ है हमारे सईद रजा। सईद रजा माशाल्लाह, तो मुकाबला होगा इंशाल्लाह। अब टीमें मना लेते हैं, मैं टीम चला जाता हूँ एक ही तरफ जिसमें है अली रजा भाई, और निहाल भाई को टीम दे दी है बी जिसके अंदर मौजूद है हमारे सईद भाई। इंशाल्लाह टीम ए,
जीतेगी टीम ए, जीतेगी। देखते हैं भाई टीम ए इंशाल्लाह जल्दी से आपने अच्छे अच्छे अशआर सुनाने हैं, ठीक है जी। और जब इनकी बारी आए तो ज्यादा सोचने का हमने टाइम नहीं देंगे, ठीक है, थोड़ा सा देंगे उसके बाद काउंटिंग शुरू कर देंगे और मदद की जा सकती है। चले भाई शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह। पहले टीम ए जो है टीम बी को टारगेट दे रही है, वर्ड दे रही है जिससे उन्होंने शेर सुनाना होगा। तो बंदी चैनल के नाज़रीन दिलचस्प सा मुकाबला है, मुकाबले में इंशाल्लाह इश्क़े रसूल भी बढ़ाएंगे, प्यारे अकालसलाम की शान में नात के अशार भी सुनेंगे जी। मुश्किल सा टारगेट है थोड़ा सा, आपने ऐसा शेर सुनाना है जो शुरू होता हो लफ्ज गाफ से। गाफ होता है ना, काफ के ऊपर दो डाल दे, दो क्या कहते हैं उनको, अकबर काफ, लंबे लंबे से डंडिया, तो गाफ हो जाता है जी। गाफ से शेर सुनाना है। गदा से देखे अकबर का खुदा से फजल पाता है, अल्लाह के फजल से मैं हूँ गदा से देखे अकबर का। सुभान अल्लाह, सब कह दे भाई सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहने में अपनी अपनी टीम का नहीं देखना, गया उनकी टीम का तो हम नहीं कह रहे, ठीक है जी। टीम है ऐसे नहीं करना, जो भी पढ़े हमने क्या कहना है सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों हमारे जो अली रजा भाई पढ़े तब भी आपने क्या कहेंगे सुभान अल्लाह जी, इसमें टीम टीम नहीं होगा जी। भाई आ जाए निहाल भाई जी। ऐसा शुरू होता है, खास से शुरू होता, खुशरवी अच्छी लगी ना सरवरी, खुशरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। हमने भी शेर सुना दिया, आप निहाल भाई आपकी टीम की तरफ आते हैं, हम टीम बी की तरफ। आपके जो है सईद भाई के लिए हम शेर लाए जो आपने सुनाना है हर्फ बा से। थोड़ी सी पाबंदी लगा देते, बुला लो फिर शेर बरोबर नहीं सुना, सब वही सुना देते बार बार। बुला लो तो शेर सुनाया हर बा, थोड़ा मुश्किल करना सही। अच्छा हम गरीब, चले चेंज हो गया, चेंज हो गया। बुला लो चैनल के नाज़रीन, आपने तवज्जो से देखना ही, जो सोशल मीडिया के हैं नाज़रीन वो तो कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताएं कौन सी टीम जीतने वाली है, निहाल भाई की टीम जीतने वाली है या मेरी टीम जीतने वाली है, ठीक है जी, आप कमेंट्स कर सकते हैं जी। निहाल भाई जी, कौन सा शेर दे रहे हैं? अगला वर्ड आपके लिए है काफ। काफ, ऐसा शेर जो काफ से शुरू होता हो। काफ से, काफ से शुरू करना है, काफ से डंडी वाला काफ, दो नुक्तों वाला नहीं। अली रजा भाई जल्दी सोच ले आपके क्या लिए बताओ के क्या मदीना है, क्या बताओ के क्या मदीना है, बस मेरा मो माशाल्लाह। मैं निहाल भाई को थोड़ा बातों में लगा रहा था, काफ से ताकि आपको ज्यादा टाइम मिल जाए। अच्छा चले जल्दी से सोचना हमने शेर, ठीक है चले जी। अब सईद भाई के लिए हर्फ है मीम। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना, माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले।
माशाल्लाह जी, हमारे लिए ले आए, क्या शेर लाएंगे आप? स्वाद, स्वाद से शेर सुनाना है जी, स्वाद। सजनो मदीने आका सहाबा सब गए आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह, सब गए आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह जी, शेर सुना लिया हमारे शेर ने, हमारे शेर है ना अली रजा भाई, क्या बात है। आपके लिए हर्फ है अलिफ। इनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। जी निहाल भाई, क्या वर्ड लाए आप हमारे, ऐसा शेर सुनाए जो नून से शुरू होता हो। नून से शुरू होता है। नूर वाला आया गएगा, नूर देकर आया गए सारे आलम में, ये देखो नूर कैसा छाया गए। अस्सलाम तो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम तो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, सईद भाई के लिए वर्ड है सीन, सईद भाई और सीन। सबसे औला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा नबी। सईद भाई का जवाब दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है, क्या पढ़ा है इन्होंने? सबसे औला हुआ, इन्होंने पढ़ा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो वाला, जबकि वर्ड है सबसे औला ओ आला, यानी हमारे जो नबी हैं वो सबसे क्या है, औला भी हैं और आला भी हैं, बाला भी हैं, वाला भी हैं, बुलंद, और यहाँ हो जाएगा सबसे औला हो तो कहते हैं ना, ये हो जाए, दुआ कर रहे होते हैं, हमारे नबी तो हैं, हो क्या, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सबसे आला भी हैं, सबसे बाला भी हैं, औला भी हैं, तो ये तो शेर गलत हो गया, चले दोबारा सही से सुन ले। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब ये जो शेर है ना, ये नाद बड़ी मशहूर भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत सारे आसान भी याद होती है, तो इसमें पढ़ते हुए फिर ये ओ की फिर हो जाता है, उसी में ज्यादा वो चल रहा होता है, तो अपने हो नहीं पढ़ना बल्कि क्या पढ़ना है, ओ, ठीक है जी, चले भाई। ऐसा शेर जो पे से शुरू होता, पे से शुरू होता, हर्फ पे या पा जो भी कह ले, पे, चले पे, अली बे पे, जी पे से शुरू होता है, और कोई और है जी, पे से, क्या है, क्या शेर है, चाइना, ओ तो जवाब नहीं दे सके, कोई और सुनाएगा पे से शेर, चले भाई आप सुनाए, सईद भाई सुनाते हैं, देखते गुंबद-ए-खज़रा पूरी कब आ रसूल।
सब कह दे भाई माशाल्लाह, क्या बात है। तो टीम ए नहीं आगे बढ़ सकी, टीम बी माशाल्लाह आगे बढ़ गई। चले भाई, मुकाबला मकसद लड़ाना नहीं था, बल्कि अच्छे से अंदाज के साथ ये नातों के अशआर सुनना थे। अल्लाह पाक दोनों को बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, और अच्छे अंदाज से आप यूं ही नाते पढ़ते रहे, नाते पढ़ते पढ़ते पहुंच जाएं जन्नत में, मदीने में। और मदीने से जन्नत में, सुभान अल्लाह क्या बात है माशाल्लाह, जन्नतुल बकी मिले, क्या बात है, जन्नत गोया जमीन पे मिल गई, और फिर इंशाल्लाह जन्नत में भी जाएंगे। चले जी, अब नेक्स्ट स्टॉल कौन सा है आपके पास निहाल भाई? जी प्यारे बच्चे और किस बदली चैनल के नाज़रीन, अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मुकद्दस जगह। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की जी प्यारे बच्चे और किड्स वर्ल्ड चैनल के नाज़रीन, स्टॉल पर हम आ चुके हैं, हमारे साथ जुनैद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जुनैद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। निहाल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी जुनैद भाई, कौन से मुकद्दस मकाम के बारे में आज बता रहे हैं? निहाल भाई आज हम आपको जबल अहद के बारे में बता रहे हैं। जबल अहद, ये भी एक मुकद्दस मकाम है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं आप जबल अहद के बारे में। जी शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आज जिस मुकद्दस मकाम यानी होली प्लेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक मुबारक पहाड़ है, और ये मुबारक पहाड़ कहीं और नहीं बल्कि मदीना पाक में है। जी तो बच्चों, कहाँ है ये पहाड़? जी तो आप सोच रहे होंगे वो पहाड़ कौन सा है, तो चलें आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। जी बच्चों, आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये वही मुबारक पहाड़ है, और इस मुबारक पहाड़ का नाम जबल अहद है। प्यारे बच्चों, आए अब इस पहाड़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुनते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पहाड़ मदीना पाक में कहाँ वाकया है। तो प्यारे बच्चों, मदीना पाक की नॉर्थ साइड में ये मुबारक पहाड़ वाकया है। इस पहाड़ की एक खसूसियत ये है कि ये पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। आइए आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ जिसमें इस मुबारक पहाड़ का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का जिक्र है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी ये अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। क्या बात है इस पहाड़ की, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। बच्चों, इस पहाड़ की एक खसूसियत ये भी है कि अल्लाह पाक के नबी हजरत हारून अलैहि सलाम का मदार भी इसी पहाड़ पर है। अल्लाह पाक हमें भी इस मुबारक पहाड़ की ज़ियारत नसीब फरमाए, और बार बार मदीना पाक और मक्का पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अहद पहाड़ के हवाले से सुना, हमारे जुनैद भाई हमें बता रहे थे, बहुत मुकद्दस मकाम है, बहुत मुकद्दस पहाड़ है, मदीना पाक में ये पहाड़ वाक़े है, जिसका नाम है अहद पहाड़। हदीस पाक में भी है, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, अहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, और ये पहाड़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, तो कितना मुकद्दस पहाड़ है, कितनी मुकद्दस जगह है जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस पहाड़ की ज़ियारत अता फरमाए, मक्का पाक की, मदीना पाक की बार बार ज़ियारत और हाजिरी की तौफीक अता फरमाए और सआदत अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चे और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉल का नाम है हेल्थ नॉलेज। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी निहाल भाई हमें हेल्थ नॉलेज के लिए स्टॉल पर लेकर आ गए, और हेल्थ नॉलेज पे हमें नजर आ रहे हैं हमारे अनस भाई। कैसे अनस भाई, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और इंशाल्लाह आपके बताए हुए बातों पे अमल करेंगे तो और खैरियत से ही रहेंगे। वैसे तो डॉक्टर साहब बने हुए हैं आपके पीछे, लेकिन थोड़े से अब डॉक्टर साहब अगर हमसे पूछे भाई खैरियत से आना हुआ,
क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को, ये तबीयत खराब हुई थी तभी आए थे ना क्लिनिक, जाते ना डॉक्टर साहब के साथ पूछे खैरियत से हैं, तो उन्हें क्या बोले फिर एनिहाल भाई, बोले तबीयत खराब है इसीलिए तो आपके पास आए। खैर हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए हमें, ठीक है, थोड़ी खराब है ज्यादा नहीं खराब हुई। खैर जी अनस भाई, तो आज हमें क्या बताने वाले हैं आप? आज मैं आपको पानी की अहमियत के बारे में बताऊंगा। पानी की अहमियत के बारे में आप हमें क्या बताएंगे भाई? पानी हमें पता है, प्यास लगे तो पी लेने चाहिए, और कुछ बताएंगे? अच्छा इसके अलावा भी कुछ है? चले भाई, प्यास लगे तो क्या पीते हैं? पानी। हाँ पीते ना, लेकिन अब पानी की अहमियत क्या है और पानी के बारे में और क्या क्या बताने वाले हैं, अब ये तो अनस भाई बताएंगे तो पता चलेगा, तो हमने तवज्जो से सुनना है, ठीक है जी। पानी पीते वैसे तो हेल्दी होता, अच्छा होता है, लेकिन देख लेना चाहिए, देख के पीना वैसे भी चाहिए। अब उसके अंदर कोई चीज तैर रही है, हम पी जाए आग बंद करके, फिर उसके बाद पेट में दर्द हो तो किसको कहें? हाँ डॉक्टर को कहें, फिर जाके आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने खुद ही देख कर बगैर देखे पिया था तो मच्छर चला गया पेट में, ऐसे ही है भाई। तो अब जरा बताएं मैं अहमियत के बारे में भी और कुछ और जो आपने बताना है बताएं। प्यारे बच्चों, हेल्थ नॉलेज के काउंटर से आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ, और वो ये है कि पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पानी अल्लाह पाक की कितनी अजीम नेमत है और इससे कितने सारे काम होते हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें आम हालात में कितना पानी पीना चाहिए, कब कम पीना चाहिए और कब ज्यादा पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, और ये हमारी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है। जी तो अनस भाई, ये आप बता रहे हैं हमें कब कब पीना चाहिए, मतलब कब में पिए, फिर कब में नहीं पीना, कब कब? अच्छा कब कब पीना है, तो वाह भाई वाह, ये भी है कि कब कब, जब प्यास लगेगी पी लेंगे, ऐसा नहीं है? अच्छा इसमें डिटेल है, चले भाई, ये कब कब नहीं है बल्कि ऐसा नहीं कब में पीना आप समझ रहे हो, बल्कि कब कब किस टाइम हमने पीना है ये भी पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात पीते नहीं है, पीने में कमी हो जाती है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम भी होती है, फिर जो है ना पानी की कमी हो जाती है, फिर अभी इंशाल्लाह बताते हैं अनस भाई जी, और क्या बता रहे हैं? बच्चों पानी हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी जरूरी है, ये हमारी खून को बॉडी में सर्कुलेट करने में भी अहम है, इसी तरह ये हम बच्चों की ग्रोथ और बढ़ते हुए वजन को भी बैलेंस्ड रखता है। अगर हम अच्छी तरह हाइड्रेट रहें, यानी जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और पानी पीते रहें, तो इससे हम बच्चों और बड़ों का मूड भी अच्छा रहता है और हमारी मेमोरी भी तेज होती है। फजूल किस्म के सोडा और फ्लेवर जूसेस से अच्छा है कि हम पानी पिया करें। 4 साल से 8 साल के बच्चों को कम अज कम 5 कप्स दिन भर में पानी पीना चाहिए, और इससे बड़े बच्चों को कम से कम 7 से 8 कप्स रोज पानी पीना चाहिए, ताकि इनके जिस्म में पानी की कमी ना हो। पानी हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, हमारे जिस्म को ना ही ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म होने देता है। इस महीने में तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं, ताकि हमें थकावट भी ना हो, हमारे जिस्म में एनर्जी भी रहे और हम रमजान के महीने में खूब इबादत कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, अनस भाई जज़ाकअल्लाहु खैरा, बहुत अच्छी आपने मालूमात दी हमें, किसके बारे में? पानी के बारे में। हाँ, और हमें कितना पानी पीना चाहिए दिन में? जी कितने कप पीने हैं अनस भाई? 4 से 8 साल के बच्चों को 5 कप। अच्छा, और उससे बड़े बच्चों को 7 से 8 कप। चले भाई, यहाँ तो थोड़े बड़े बच्चे दिख रहे हैं, तो 7 से 8 कप पानी में पीना है, तो गिलास में पी लें तब भी ठीक है ना जी, कप गिलास में भी पी सकते हैं, अनस भाई ने इजाजत दे दी, क्यों? वरना हमारी जिस्म में क्या हो सकता है पानी की, तो हमारे जिस्म में क्या है, पानी होता है? है भाई, किसके जिस्म में पानी? पानी है तो मतलब घर में पानी ना आ रहा, थोड़ा सा कट लगा के निकाल लें, ऐसे चल जाएगा? और पानी हो के बता रहे थे ना अनस भाई, पानी होता है, पानी की कमी हो जाती है पानी ना पिए, तो घर में पानी ना आ रहा हो तो थोड़ा सा कट निकाल के, तो उधर से तो क्या निकलेगा? खून। पानी कहाँ है फिर? खून है जी भाई, पेट में पानी, पेट में पानी, तो पेट में थोड़ा सा नलका लगा लें, यहाँ से पानी चाहिए, ऐसा है भाई। ये जो खून होता है ना, इस ये कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है ना, जमा हुआ होता है खून, तो इसमें क्या होता है? पानी तो होता है इसमें, पानी और चीजें भी होती है, पूरा एक चीज होती है, खाली नहीं कि आप पानी से खून बन जाता है, लेकिन और भी चीजें होती है जो हम खाना खाते हैं, लेकिन पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पानी हमारे जिस्म के अंदर होता है, जैसे हम पसीना आता है, मेहनत करते खेलते आता है पसीना, किस किस को आता है?
सबको ही आता है ना, इंसानों को नॉर्मली पसीना आता ही है। तो ये पानी, ये पसीना क्या होता है? पानी होता है, और उसमें नमकियात भी होते हैं जिस्म के अंदर, और भी जो हम खाते पीते हैं उससे बहुत कुछ बनता है। जाहिर है पूरी साइंस तो मैं नहीं बता सकता, खुलासा ये समझ ले ये पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी। हाँ, जब होती है फटाई आंखों से क्या निकलता है? आंसू। आंसू पानी, आंसू पानी, आंसू आंसू निकलते, लेकिन ये आंसू भी पानी के होते हैं। खून में भी पानी होता है, तो हमारे जिस्म में बहुत सारा पानी होता है। वो अलग बात है कि इसमें हम नलका नहीं लगा सकते, कोई ऐसे नहीं आएगा, खून की शेप में दूसरी शेप्स में होता है। तो इसलिए हमें क्या पीते रहना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए ताकि जिस्म में खून की कमी ना हो। अनस भाई ने ये भी बताया था ना, मूड भी सही रहता है पानी पीते रहे। पानी नहीं पी रहे होते, खाने की कमी होती, मूड वैसे ऑफ हो जाता है, फिर लड़ रहे होते इधर उधर, वो पता चला खाने की कमी है, पानी की कमी है। तो पानी पीते रहना चाहिए। जबरदस्त, जज़ाकअल्लाह खैरा जी। अब जी क्या बता रहे? माइक का है, माइक का है, माइक दो भाई, माइक दो, माइक दो, जल्दी माइक लो बेटा, भाग के जाओ, भाग के सीधे हाथ से जी, माइक ले ले, बैठ जाए अपनी जगह पर जी। क्या फरमा रहे हैं? रोजा हो जब भी पीते रहे भाई पानी, रोजे भी नहीं, नहीं भाई रोजे के बीच में नहीं पीना, अच्छी बात है। ये इन्होंने सवाल कर लिया, कोई समझे ठीक है जी, रोजा भी पीते रहे तो सहरी में पी ले, इफ्तारी में पी ले, इफ्तारी के बाद पीते रहे, दिन में नहीं पीना जो रोजा रखने वाले हैं, ठीक है। छोटे बार क्या, 40 बार? 40 बार पियेंगे? अरे पानी पेट है, तालाब थोड़ी है अंदर, कोई समंदर थोड़ी बनाना है। 30 बार 40 बार वो उन्होंने बता दिया कितनी बार पीना है, ठीक है। उतने एतबार से जो है वो 5 कप 7-8 कप जी कौन पी सकता है? 100 बार 40 बार नहीं बेटा, इतना नहीं पी लेना, ठीक है। ऐसा पेट पड़ के बाहर निकल कर आ जाए पानी, इतना सारा पानी भी नहीं पीना, इसमें भी थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है जी। निहाल भाई अब कहाँ ले जा रहे हैं आप? जी अब बढ़ेंगे आज की अच्छी बात की तरफ, फिर प्रोग्राम को खत्म करेंगे जी। अच्छा, तो हमारे सारे स्टॉल माशाल्लाह कंप्लीट हो गए, तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम भी यानी वाइंड अप की तरफ आ गया, कंप्लीट हो रहा है। तो आखिर में हम आपसे कोई अच्छी सी बात भी कर लेते हैं, तो आज आप लोग कोई अच्छी बातें कर लेना माशाल्लाह, इतने सारे प्रोग्राम हमने किए हैं बैठे, तो कोई कोई अच्छी बातें। माइक कहाँ है? माइक नीचे ही मौजूद है यहाँ बच्चों के पास, माइक कहाँ है? माइक ले लें भाई जल्दी से, माइक ले लें जल्दी से, सीधे हाथ से लेना है जी। बैठ जाए बैठ जाए जी, कोई अच्छी बात बताएं आप, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कोई अच्छी बात नहीं बता रहे, चले भाई आप बता दें। नमाजें पढ़ना चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए, इसके अलावा और थोड़ा सा अलग जाके, ये तो माशाल्लाह सब बता देंगे भाई, नमाज पढ़नी चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए, बैठ कर खाना खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, इससे हटकर और बात लानी है जी। चले इधर पूछ लेते हैं जी। जी कहाँ से आवाज आ रही थी? हाथ उठे हुए तो है जी, एक मिनट इधर जी। रोजे रखना चाहिए, वो तो हो गया रोजे, अब तो रमजान खत्म भी हो रहा है, अब तो बिल्कुल एंड पे, अब रमजान के बाद भी रोजे रखने, ईद को भी, ईद के दिन तो रोजा नहीं रखेंगे ना, पहले दिन ईद के, ठीक है जी, बाकी बाद में नफली रोजे भी रखें जी। जुनैद भाई को दे दो भाई, कुछ अलग ला रहे हैं, बिल्कुल अलग कोई बात बताने वाले हैं खास। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, देखिए मैंने पूरी काउंटिंग कराई थी, बैठकर खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, ये सारे तो हम बताते ही रहते हैं, इसके अलावा कुछ बताएं ना माशाल्लाह, आप तो प्रोग्राम्स में आते हैं, इतनी सारी बातें सुनते, कुछ हमें ऐसा बताएं खास। चले भाई उजैर शाह साहब को दे दें माइक, उजैर शाह साहब जल्दी से आ जाएं, चले भाई उन तक पहुंचा दिया जाए, माशाल्लाह गिफ्ट सबको बांटते हैं वो, तो उनसे भी कोई अच्छी बात हम सुन लेते हैं। चले जी क्या बता रहे हैं आप? दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए जी। हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए जी? उजैर शाह साहब कोई सा बताएं आप, कोई एक दुरूद शरीफ बताएं। इब्राहिम, दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए, और वो तो इतना बड़ा सारा है, वो भी पढ़े, अच्छा मेहनत करनी चाहिए, जबरदस्त जी। हम कोशिश करते हैं छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम पढ़े, जबरदस्त। और क्या करें? कोई अच्छा पैगाम जी, ईद का दिन आने वाला है, ईद के दिन क्या करें? चले ये बता दें, ईद के दिन क्या करना चाहिए? कितनी ईदी जमा करनी है जी? कितनी टारगेट, टारगेट बना ले अभी से, कितनी ईदी? 5,000 और जी भाई माइक दे दें इधर जी, जल्दी से जी,
20,000 देख लो बच्चे, 20,000 हम मांगेंगे तो क्या होगा, कैसे ऐसा ना और पिटाई हो जाए थोड़ी सी है? इतनी ईद और फिर ईदी मांगने में कितनी जिद कैसे करनी है, किस किस से करनी है? भाई से। भाई से नहीं मिल रहा, जमीन पे लेट जाए तो पसाड़े मारे खूब देख लेके ही रहेंगे। ईद आई है, कोई गुंडागर्दी का दिन थोड़ी आया है कि अपने जी जेबे खाली करानी है। ये बड़ी अहम बात है, ईद आ गई बस निहाल भाई, अब तो ईद ही झपटनी है, पहले से प्लान बन रहे हैं और जी कैसे जिदे करनी है, लड़ाई करनी है। बस तो ईद वाले दिन भी रोना धोना डाल देते हैं, ऐसा भी देखा होगा आपने भाई, ईदी कम मिल रही है, ईदी ज्यादा चाहिए, तो हमने ऐसा काम नहीं करना। हाँ, जितनी ईदी मिल रही शुक्र अदा करें, ठीक है, उस पर लड़ाई जिद ये सारे काम हमने नहीं करने, अच्छे बच्चे बनने। ईद के दिन भी ऐसे काम कर रहे हैं और अच्छा बच्चा बनेंगे इंशाल्लाह, ईदी के अंदर बरकत हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमने ईद अच्छे अंदाज से मनानी है और जो है उसके अंदर कोई इस तरह की जिदे भी नहीं करनी और अपने कपड़े भी गंदे नहीं करने, मैले नहीं करने, ईद को अच्छे अच्छे कपड़े भी होते हैं हमारे पास। तो इसी अच्छी सी बात के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हुआ, आपने हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।